देखिए आप, मेरा बर्थडे हो चुका है और ये मैंगो मिला था, मैंने पूरा फिनिश कर दिया क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे बहुत भूख लगी। और ये एप्पल केक बनाया जो बहुत टेस्टी है। टोटल मिला के पूरा का पूरा सेहत मेरे सेहत का ख्याल रखा गया। और देखिए शहद, कद्दू, परमल और क्या है, हाँ ये चेरी का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लिप बाम। तो ये है, काजल मेरे पास था इसलिए काजल नहीं लाया, मुझे पता है। और क्या है, इतना सारा कुछ काटना पड़ा। मेरा बर्थडे, हालांकि अभी थोड़े से हमारे हालात ठीक नहीं थे, हालात ठीक नहीं थे इन द सेंस घर में एक की तबीयत है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उस वजह से भी मूड अच्छा नहीं था। बट बड़ी वाली ने सारा कुछ किया है और मुझे उसकी खुशी का भी ख्याल रखना है। अभी मुझे बहुत हेडेक भी हो रहा था, बट मुझे सारा कुछ देख के अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने दो मैंगो मिला था मुझे, ये दो ही लाई थी ना, वो मैंने सारा फिनिश कर दिया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। और एप्पल केक बनाया था जो बहुत टेस्टी था, और एक बार आपको दिखा देती है हनी, ये सारी वो चीज़ें जो मेरा फेवरेट है जिसको मैं डेली रूटीन में, ये लिप बाम है चेरी फ्लेवर और ये परमल है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये है पम्पकिन कद्दू, यानी कि सारा अच्छा है। राशन पानी का ऐसी चीज़ें देना चाहिए कि घर में सारा कुछ बहुत अच्छे से यूज़ हो और मज़ा आ जाए। तो चलिए, हैप्पी बर्थडे टू मी एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, यू आर द बेस्ट, ये बोथ आर बेस्ट। उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं है तो उसको तो आज माफ़। तो अब हम लोग सोते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, बाकी सारा कल देंगे, कल दिखाएंगे आपको जो भी है। खैर अभी इस साल मेरा कोई भी किसी प्रकार का कोई मूड नहीं है, ऐसे भी मैं बर्थडे सेलिब्रेट फ्रेंड लोग के साथ नहीं करती हूँ, मोस्टली मैं ओल्ड एज होम जाती हूँ और यहाँ मुझे भी पता नहीं कहाँ पे है, देखते हैं कल का, कल जो भी होगा आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फिर थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर।